तमाम मौकों के लिए रुझाई के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन भाई साहब ने मुझे कहा कि मैं आज इस जगह पर मेहमान की सुस्ती हूँ। मैं समझता हूँ कि आज की इस जो इबादत है, इसका तमाम ऑनर इज्जत हमारे यीशु के नाम को है। और इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मुझे अपने जीवन के दरमियान लेकर आए। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास खुदा ने ऐसे सूरमा, ऐसे खादमी अपने मौसू आप में से पैदा किए हैं जो आपके दरमियान रहकर आपकी खिदमत कर रहे हैं, और ना सिर्फ दरअसल के नरोवाल के इस इलाका में बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुदा ने अपने जवाब का इस्तेमाल करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम किस तरीके से खुदा के सोशी को टीच करते हैं, प्रीच करते हैं और उसके क्लास को असेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं इस बात का शुक्र करता हूँ कि आप सब खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं। और ये सबसे बड़ी जो बात है कि हम उस नाम को वसीला से बरकत पाते हैं जो नाम सबसे उत्तम है, आला है, अफजल है, जिस नाम के आगे तमाम उठने झुकते हैं। कौन सा नाम है? यीशु नाम। यीशु नाम के वसीला से कोई और नाम बख्शा ही नहीं गया, सिर्फ यीशु नाम है जिसके वसीला से हम बरकत पाते हैं, सलामती पाते हैं, गुनाहों से माफी, रिहाई और मुक्ति पाते हैं। और आप उस नाम के वसीला से हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। और यीशु मसीह ने कहा है बाप से भी मेरे नाम से मांगोगे तो उनको देगा। इस बात में शुक्र करते हुए एक छोटी सी मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब इजहा बूढ़ा हो गया तो लिखा है उसके दो बेटे थे, क्या क्या नाम था उनके बेटों का? साऊ और याकूब। क्या नाम था? साऊ और याकूब। तो दो बेटे थे इजहा के, लिखा है कि इजहा बुढ़ापे में आ गया और उसकी आंखों से कम नजर आता था, सही तौर पर देख नहीं सकता था, वो आवाज से खुशबू से नजर आता था कि कौन उसके पास आया है। और फिर ऐसा ही हुआ, आपको बुढ़ापे की वजह से वो बताया था कि याकूब ने वो हासिल की थी। और कैसे हासिल की? याकूब की मां ने उसे कहा कि अपना भाई बाहर गया है, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ, तेरे बाप को पसंद है, तू उसका जो लिबास है वो ओढ़ ले ताकि तुझमे से खुशबू असाओ की आए, अपने बाप के पास जाए। और जब याकूब असाओ का लिबास ओढ़ लेता है और अपने बाप के पास ले जाता है ताकि पराठे भूने की बरकत से मिल सके, उसका बाप उसे हाथ से छूता है। वो कहता है कि आवाज तो याकूब की आ रही है लेकिन जो महक है, जो खुशबू है, वो इसमें से असाओ की आ रही है। और फिर उस खुशबू की वजह से बाप उसे बरकत देने से अपने आप को बाज नहीं रह सकता और इसहाक याकूब को पिलाने की बरकत दे देता है। जब हम इस मसीह को कह लेते हैं, उसे सिद्ध कर लेते हैं और फिर बाप के पास आते हैं तो बाप भी हमें बरकत देने से बाज नहीं रहता। वो कहता है कि आवाज तो कामना माइकल की है, आवाज तो पास्टर इसके की है, आवाज तो किसी और बहन के भाई की है, लेकिन खुशबू मेरे बेटे के लहू की है। जब यीशु नाम से उसके पास आते हैं तो वो फिर अपनी बरकत को हम पर नाजिल करता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम यीशु को कहें ले, क्योंकि जैसा वो है जब तक हम वैसे नहीं होंगे हम उस बरकत को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जितने उसे पहन लिया, कबूल कर लिया, उनको उसने अपने वजन होने का हक बख्शा है, किसी और को नहीं। इसलिए हम गिरजा घर में आते हैं, तनाव सुनते हैं, लेकिन तनाव को साथ लेके जाना है। क्योंकि तनाव जो है वो यीशु मसीह है, जिंदा तनाव यीशु मसीह है। क्योंकि लिखा है कि उसने अपने तनाव को अपने हर नाम पर असर बख्शी है। उसे कितने ही नाम हो सकते हैं लेकिन तनाव
نہیں بنا. تو کلام جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. ہم جب کلام سنتے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں, یسوع کو ساتھ لے کر جائیں گے تو اپنے گھروں میں برکت آ جائے گی. ہم اڑیں گے نہیں, جو زندگیوں میں یسوع نہیں ہے وہ اڑتی ہیں. اس کے ماں باپ بھی اڑے تھے جب اسے کھو دیا تھا. جب یسوع زندہ ہو گیا تھا, جب یسوع زندہ ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں کڑواہٹ آ جاتی ہے, انسان اڑنا شروع کر دیتا ہے. اور ماں نے ہمیں کہا تھا کہ بیٹے تو وہاں رہ گیا تھا, ہم اڑ رہے تھے. انسان اڑنا شروع کر دیتا ہے جن زندگیوں میں یسوع نہیں ہوتا. تو یسوع کو یہاں چھوڑ کے نہ جائے گا, پھر کافلوں میں ڈھونڈتے پھریں گے. یسوع کو ساتھ لے کے جائیے گا. اور اس میں مینشن کے مطابق میں سمجھتا ہوں خدا اپنے بندہ کو مسجد سے استعمال کرے تاکہ آپ یسوع کے بغیر یہاں سے نہ جائیں, اور یسوع اپنی زندگی میں کام کرے تاکہ آپ کی زندگیاں 30 60 اور 100 برس پا جائے. خدا کا نفع کیسے